इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी को ओबामा दौरे से पहले पाकिस्तान बॉर्डर पर रच रहा है बड़ी साजिश। आरबो के मुताबिक बॉर्डर पर करीब 200 आतंकी हैं। ये आतंकी घुसपैठ करने की तैयारी में हैं। सेना के मुताबिक स्कूल और धार्मिक जगह आतंकियों के निशाने पर हैं। जो सॉफ्ट टारगेट है, जैसे स्कूल्स है, जैसे कॉन्वॉयज है, जैसे धार्मिक स्थल है, ऐसे चीजों ऐसी जगहों पर जो है ये आतंकवादी हमला करने का जो है इनपुट है हमारे पास, और इसको नाकाम करने के लिए अपने आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 200 मिलिटेंट जो है अपने 16 कोर जोन के ऑपोजिट तैयार है, और वो अपने लॉन्च पैड जो है तकरीबन 35 का करीब लॉन्च पैड है उसमें बैठे हुए हैं। कुछ तो लॉन्च पैड में है, कुछ जो है ट्रेनिंग कैंप्स में है। ट्रेनिंग कैंप तकरीबन 14-15 का करीब है हमारे ऑपोजिट इलाके में, और इस प्रकार ये लोग जो है अपने प्लान बना रहे हैं किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, यकीन दिलाना चाहूँगा कि हमेशा इंडियन आर्मी जो है, आप यू विल बी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, वी विल ऑलवेज डिफीट सच डिजाइन। जम्मू से हमारे संवाददाता रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमन, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये कहा ही जा रहा था कि वो आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है, लेकिन एक बड़ी बात कही गई है सेना की तरफ से कि 200 आतंकी तैयार बैठे हैं भारत में घुसपैठ करने के लिए। जी हाँ, देखिए सीधी तौर पर बात है कि जिस तरह से बराक ओबामा का 26 जनवरी से पहले गणतंत्र दिवस पर जो विजिट है, उससे पहले पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इस तरह की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, और आर्मी ने भी इस पर जो है हामी भरी है कि इस तरह के इनपुट उन्हें मिल रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट जैसे स्कूल हैं, नागरिक हैं या धार्मिक स्थल हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है, और उसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, इस तरह की किसी भी गतिविधि को आगे न बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की प्रयास कर रहा है, लेकिन घुसपैठ की प्रयास में वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सीमा के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी, ISI और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से सफल घुसपैठ को भारत में कराया जा सके, घुसपैठ की कोशिशों को सफल कराया जा सके। इस तरह की रणनीति लगातार पाकिस्तान के अंदर बन रही है। कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में इस तरह से जो जानकारी KH सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल जम्मू के 16 कोर के हैं नवग्रह में, इनके और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इनका एरिया है साउथ ऑफ पीर पंचाल का जो एरिया है, वहां पर अभी भी 35 लॉन्चिंग पैड के अंदर 200 आतंकी बैठे हुए हैं तैयार ट्रेनिंग लेकर, और घुसपैठ की फिराक में हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था लाइन ऑफ कंट्रोल पर दी गई है, उसमें किसी तरह की उनको मदद मिल नहीं पा रही है, और इसी चीज को कामयाब बनाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो बनाए गए हैं, गठित किए गए हैं, उनमें लगातार पाकिस्तानी आर्मी, ISI और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे भारत के अंदर सफल घुसपैठ कराई जा सके। अर्चना, और पीर पंचाल रेंज के अलावा और कौन कौन सी रेंज है जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन आतंकियों की कोशिश है जो स्कूल है या जो धार्मिक स्थल है या भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर निशाना बनाने की। जैसे देखिए लगातार जिस तरह से, हालांकि जब ये जो आर्मी डे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालांकि पिछले 2 महीना से एक्टिविटीज जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से बराक ओबामा का विजिट है उससे पहले लगातार कोशिशें बढ़ जाएंगी, और उनकी कोशिश रहेगी कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाकर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर 31 दिसंबर के बाद लगातार इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। करीब 8 से 9 आतंकियों द्वारा जो घुसपैठ की कोशिश है उसे BSF ने नाकाम किया है, और लेकिन इस तरह की कोशिशें लगातार चल रही हैं कि जो US प्रेसिडेंट है उनके विजिट से पहले किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस पूरे इशू को जो है इंटरनेशनलाइज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक बार फिर हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी पूरी तैयारी जो है वो सीमा के उस पार लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि POK में जो है वो रची जा रही है। और यहाँ पर एक खास बात उन्होंने ये भी कही कि हाफिज सईद जो है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो उसने अंतरराष्ट्रीय सीमा के शकरगढ़ में एक दौरा किया था, लेकिन इससे पहले करीब 1.5 महीने पहले जो है वो दिसंबर के महीने में हाफिज सईद जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीर पंजाल साउथ ऑफ पीर पंजाल के एरिया में भी गया था। इस तरह की गतिविधियां लगातार पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रही हैं। और ओबामा की यात्रा से पहले लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।